नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यह फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो आते हैं यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। सर्वप्रथम तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण एक कम एनालिटिकल पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है। तो लाइफ में आप बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, इमिजिएटली एक्शंस जो है ज़्यादा लेंगे, यानी बिना सोचे समझे समझने के पहले किया गया कार्य। और यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, इन द सेंस कि डिफरेंस बना करके चल रही है और एकदम सीधी है। तो आपका जो ध्यान रहेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर, खुद के लाइफ के ऊपर, लाइफ पार्टनर के ऊपर और बच्चों के ऊपर, मतलब घर के ऊपर जो है आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में ध्यान रहने वाला रहेगा। यही रीज़न है कि आप अगर लाइफ में ज़्यादा चिंतित भी रहेंगे तो अपने खुद के फैमिली को लेकर के, अदरवाइज लाइफ में आप बहुत कुछ अगर चाहें तो अपने फैमिली के लिए कर भी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट देखने को मिल रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल में आपकी प्रॉब्लम रहेगी, जैसे अपोजिट जेंडर से बात करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट, घबराहट रहती होगी, स्टेज फियर की भी इश्यूज रहते होंगे, रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं दे पाते होंगे जैसा आप सोचते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ कट टू कट एकदम सेम यहाँ पर शो हो रही है, जिसके कारण गुड क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर रहेगी और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेगी। यानी फैमिली को लेकर के ही आप ज़्यादातर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और सेक्रीफाइस अगर कुछ करेंगे तो अपने क्रिएटिविटी, अपने लत, अपनी आदत या फिर अपने जो चाहत है उसको लेकर के। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा एक प्रकार के फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को बताती है, और ये होना बहुत शुभ भी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति माहौल में आसानी से ढल जाने वाला होता है। थंब के साइज़ पर आते तो ये यहाँ पर शॉर्ट है, तो ये यहाँ पर यही इंडिकेट करता है कि लाइफ में आप बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग आपका रहेगा और बहुत जल्दी जो भी आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट आप अपने लाइफ में कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पाम के साइज़ के विषय में आए तो यहाँ पर आपको शुक्र और चंद्र बहुत अच्छे उभरे हुए हैं। जब चंद्र अच्छा उभरा हुआ हो तो व्यक्ति का सकारात्मक मन होता है, तो ज़रूर ऐसा होता होगा कि कोई भी आपके अंदर तकलीफ़ परेशानी तो उसको आप हिडन कर लेते होंगे, लेकिन हमेशा स्माइल, खुशनुमा, हर चीज़ का आनंद लेना, इस प्रकार का नेचर आपका रहेगा। साथ ही साथ जब इस प्रकार का चंद्र किसी का रहता है तो आपके पास जो भी आएगा लाइफ में या जो भी आपके पास आकर के बैठेगा या थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा वो बहुत अच्छा फिर आपके साथ फील करने लग जाएगा। तो ये आपका इंटरनल क्वालिटी है, यानी ये आपका मन है कि दूसरों का साथ पा करके आप बहुत लाइफ में खुश अपने आप को महसूस यहाँ पर करने वाले रहेंगे, क्योंकि चंद्र आपका अच्छा उभरा हुआ है और ये थोड़ा सा मूडी स्वभाव भी व्यक्ति को देता है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं आपके एक एक पर्वत का, सभी पर्वत एवं रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ करते हैं, तो गुरु पर्वत अपने आप में अच्छा एरिया यहाँ पर ले रहा है। जब गुरु यहाँ पर इस प्रकार के एरिया ले तो हर प्रकार की सुख सुविधा और जो मेरिड लाइफ से रिलेटेड आपकी क्वेरीज थी, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका मेरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। हर प्रकार की सुख सुविधा मैरिज के बाद आपको मिलेगी, बहुत सेटिस्फेक्शन आपको अपने स्पाउस से मिलने वाला रहेगा, क्योंकि उनका केयर आपके प्रति ज़्यादा रहेगा और आपका भी उनके प्रति रहेगा बहुत ज़्यादा केयर। इसके अलावा सर्वगुण संपन्न होने के भी योग हैं, क्योंकि जब गुरु अच्छा होता है तो ये मैरिड लाइफ को बहुत प्रॉपर इंडिकेट करता है, क्योंकि ऐसे लोगों का मैरिड लाइफ हमेशा बहुत ज़्यादा सुटेबल, स्टेबल और सेटिस्फेक्शन वाला देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब शुक्र भी अच्छा हो तो ये लग्जरीज, सुख सुविधा, भोग विलास, इन सब के योगों को बताता है कि ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर अपने मायने में रहने वाली रहेगी। अब जैसे शुक्र आपका गुरु जो है वो पर्वत भी अच्छा है और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है तो ये यहाँ पर यही इंडिकेट करती है कि इन फ्यूचर आप सोशल वर्क ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर दयालुपन बहुत ज़्यादा है, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना, NGOs में वर्क करना, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सोशल वर्क के द्वारा आप अपने लाइफ में अच्छे से कमा सकते हैं। और इसके अलावा आप धार्मिक भी बहुत प्रॉपरली रहेंगे और जितना ज़्यादा आप धार्मिक भी रहें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि के क्षेत्र पर आते हैं तो शनि पर्वत अपने आप में अच्छा एरिया ले रहा है, तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, हर ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी, सब चीज़ें आपको लाइफ में मिल जाने वाली रहेगी। और यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है, तो ये जान लीजिए कि जन्म स्थान से दूर आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगा, शादी के बाद प्रोग्रेस है, मन का आप अपने जीवन में ज़्यादा करेंगे और आपका कनेक्टिविटी फॉरेन से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार का योग बने तो
ऐसे इंसान को घर से बाहर अच्छा लगता है हमेशा ज़्यादातर, और क्योंकि बाहरी लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और उनके द्वारा प्यार दुलार सहयोग सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से मिल जाने वाली रहेगी। तो यहाँ पर ये फेट लाइन आकर के थोड़ा कम हो गया है, देन सडन माइंड लाइन से फेट लाइन स्टार्ट होकर के सीधे यहाँ पर गई हुई है, जिसके कारण अगर अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे योग हैं आपके 28 प्लस एज के बाद, उसके बाद से तकरीबन 31 के एज के आसपास से आपको डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट हो सकता है अगर आप करियर से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो। और यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर आते हैं तो सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में बहुत कमी रहेगी आपकी, लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, यानी टैलेंटेड आप पर्सन यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि जब सूर्य रेखा एक ही क्षेत्र में से बार बार निकलते हुए जाए इस प्रकार से, तो व्यक्ति टैलेंटेड बहुत होता है लेकिन हमेशा कन्फ्यूज रहता है कि अपने टैलेंट को कैसे वो दिखाए, कैसे लोगों के सामने लाए या फिर कौन सा करियर चॉइस करें, तो हर चीज़ होते हुए भी आपका माइंड बहुत कन्फ्यूज है और एम से भी बहुत जल्दी आप भटक जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर रखेंगे तो वो मकाम नहीं मिल पाएगा जो नेम फेम आपको लाइफ में आप जिस चीज़ के हकदार हैं, क्योंकि आगे चल करके भी ये अन्य शाखाओं में विभाजित हो रही है, तो आप एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज से अपना नाम जो है कमाने वाले रहेंगे, नाम को अपने फैलाने वाले। अब मरकरी माउंट उभरा हुआ है तो मन में कोई भी बात नहीं रखते हैं ऐसे लोग, और एक से अत्यधिक रेखा आकर्षित व्यक्तित्व को बताती है, तो दूसरों को समझने की कला और उनको कुछ समझाने की कला आपके अंदर अच्छी है। व्यापार भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में व्यापार की रेखा भी जागृत हो रही है, एक तो ये हेल्थ इम्प्रूवमेंट करता है क्योंकि लाइफ लाइन से स्टार्ट है, और ऊपर से व्यापार में भी आपके इम्प्रूव लाएगा कि आपके अंडर में 10-15 या उससे ज़्यादा लोग काम करने वाले हों, ऐसा योग भी बन रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम्युनिकेशन में रह सकता है, अदरवाइज बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपके हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से निकलते हुए एक रेखा सीधे गई है और एक रेखा सीधे गुरु से यहाँ पर कनेक्टेड हो गई है, तो ये एक प्रकार के बहुत इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है कि भावुकता ज़्यादा रहेगी आप में, किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे पाएंगे और ज़्यादा मन मुटाव भी किसी से नहीं रख पाएंगे, कोई दुश्मन भी आपके सामने आए मदद मांगने आप बिल्कुल करेंगे, तो बहुत लॉयल ईमानदार इस प्रकार का नेचर आपका देखने को मिल रहा है, और हर रिलेशन में अपने तरफ से आप 100% भी देंगे। और यहाँ पर जो आपने मैरिज के योगों का पूछा था, तो देखिए आपके हाथ में दो यूनियन लाइन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दो बार लाइफ में अटैचमेंट होने के चांसेस बनते हैं व्यक्ति के, और अभी आपका अगर यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली देखा जाए और यहाँ पर लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो अप्रोक्स 26 प्लस एज के बाद से आपका जो है योग यहाँ पर देखने को मिल रहा है शादी का, तो 26 के एज में शादी के चांसेस आपके बहुत ब्राइट हैं। इसके अलावा आते हैं माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से निकलते हुए डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग आपके अंदर रहेगा, जैसे अगर सही मायनों में कहा जाए तो काल्पनिकता ज़्यादा रहती है, तो कल्पनाओं में रहना बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते रहना इस प्रकार का नेचर है, और इंडिपेंडेंट आपको रहना ज़्यादा पसंद रहेगा और जिद्दीपन भी आपके अंदर है। यहाँ पर आपके मंगल के क्षेत्र से बहुत रेखाएं और यहाँ पर माइंड लाइन से भी नीचे की ओर रेखाएं बहुत आई हैं, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन या किसी ना किसी प्रकार के ट्रबल में रहे हैं, क्योंकि जब मंगल से रेखा कनेक्टेड होती है माइंड लाइन से तो ये बेफिजूल के टेंशन को बताती है कि ऐसा व्यक्ति खुद से ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, और ये टेंशन आपको फ्यूचर से रिलेटेड बहुत रहता होगा कि क्या होगा कैसे होगा कब होगा, कुछ नेगेटिविटी ना हो जाए कुछ ये ना हो जाए ऐसा वैसा करके, तो ये एक प्रकार से सही चीज़ नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा ओवरथिंक एक तो नहीं करना चाहिए और फ्यूचर से रिलेटेड इतनी टेंशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लाइफ लाइन को भी अफेक्ट कर रहा है, और जब लाइफ लाइन को अफेक्ट करता है तो व्यक्ति का हेल्थ ख़राब होता है, किसी प्रकार का लॉस हो जाता है, दिक्कत परेशानी बेफिजूल की बढ़ती है, मैं ख़राब बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी सहयोगी रेखा भी तकरीबन 28-29 से बहुत बेहतरीन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, जिस जो एक तो स्पाउस के सपोर्ट को लाइफ में दूसरों के द्वारा मिलने वाले सहयोग को भी इंडिकेट करता है, जो बताता है कि जो भी आपका एम्बिशन है वो सब पूरा होगा, और शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर आप देखने को मिल रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। और इसके अलावा आते हैं शुक्र पर, तो शुक्र आपका अच्छा एरिया ले रहा है, जिसके कारण आपका ध्यान हमेशा सुख सुविधा लग्जरीज दिखावटी चीज़ें घूमना फिरना अच्छा खान पान और चमक धमक इन सब में और साज सजावट इन सब में ज़्यादा रहेगा, तो ये रहना भी चाहिए।
इससे लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये थोड़े अननेसेसरी वरीज को बताती है जो आप ओवर थिंकिंग के द्वारा या फिर अपोजिट जेंडर के द्वारा या फिर अपने हेल्थ से रिलेटेड फैमिली लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा लेते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। अदरवाइज शुक्र आपका अच्छा है तो हर प्रकार की लग्जरीज लाइफ में आपके हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं है। केतु भी आपका कुल मिलाकर के अच्छा है क्योंकि केतु पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर फिश का साइन यहाँ पर जैसे भी क्रिएट होता है या फिर इस प्रकार का साइन तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग कराता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता है, अचानक से लाइफ में सडनली गेन वेल्थ प्रोग्रेस सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो जो आप जीवन में चाहेंगे इसलिए मैंने कहा कि वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल आप धार्मिक ज़रूर रहें और मनी लाइफ में आपके स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि मनी ट्रायंगल प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुआ है। तो किसी न किसी बहाने धन आपके पास से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मनी मैनेजमेंट चाहते हैं तो किसी और को अपना मनी मैनेज करने के लिए दे दीजिए, और अगर नहीं चाहते तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए या फिर अपने ऊपर खर्चा करते रहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्र पर हल्का सा बहुत माइनर सा ये क्रॉस है तो थोड़ा ये पानी से रिलेटेड तकलीफ को बताता है, प्रॉब्लम को बताता है। तो पानी वाले स्थान पर थोड़ा सा सतर्कता से आपको रहना होगा। और जो अचानक से आप घबरा जाते हैं उसके भी योगों को ये बताता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।